2014 का IPL जहाँ पे आमने सामने थे RCB और KKR। ये मैच इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें खेल रहे थे दो दिल्ली वाले, और जब दो दिल्ली वाले मिलते हैं तो अपनी बहनों और माताओं को याद करते रहते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? आखिरी ओवर में चाहिए थे सिर्फ 8 रन, सामने थे ABD Villiers, और जब ABD Villiers सामने होते तो बॉलर डायपर पहन के ही बॉल डालता है। तो इस बार बॉलर थे विनय कुमार, पहली बॉल डाली 1 रन, दूसरी बॉल डाली 1 रन, तीसरी बॉल डाली 1 रन। सबको लगा था चौका छक्का मार के मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी ABD Villiers ने घुमा के शॉट मारा और बॉल जा रही थी बाउंड्री पर, लेकिन बॉल की तरफ दौड़ रहे थे क्रिस लिन। बॉल की तरफ दौड़ते दौड़ते गिर भी गए थे, लेकिन मुश्किलों से कठिनाइयों से लड़ते हुए क्रिस लिन उठे और दोबारा कैच पकड़ लिए। दो बॉलों पे चाहिए थे सिर्फ 5 रन। पांचवी बॉल डलने वाली थी, LB मॉर्गन सामने थे। LB मॉर्गन का पास्ट एक्सपीरियंस देख के लग रहा था कि वो ये शॉट मार देंगे, लेकिन मात्र दो ही रन ले पाए। आखिरी बॉल पे एक बाउंड्री चाहिए थी जीतने के लिए, लेकिन LB मॉर्गन सिर्फ एक ही रन ले पाए और RCB ये मैच हार गई। अब कौन किसकी माँ बहन को याद करने वाला था, कि आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए और क्रिक चस्का को सब्सक्राइब कर लीजिए।